भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टार कहे जाते हैं वो लोग भी आए, उनके पास मैं भी गई, लेकिन उनके हिसाब से उनके उनसे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो डोनेशन देंगे वैसा मुझे नहीं मिला, किसी से नहीं मिला मैम। तो दोस्तों आपने लाइव वीडियो में सुने कि आयांश की माँ बताई लाइव में कि कोई स्टार ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है जो मुझे हेल्प किए और ज़्यादा रकम दिए। तो दोस्तों उनका कहना है कि खेसारी लाल यादव उतना बड़े स्टार हैं तो मुझे 21,000 रुपया ही डिनोट किए आयांश को बचाने के लिए, उतना में क्या आयांश बच सकता है? आइए दोस्तों लाइव वीडियो में फिर सुनाते हैं कि आयांश की मम्मी खेसारी लाल यादव के बारे में क्या बताएं। सुनिए लाइव वीडियो को ध्यान से। कोशिश तो मैंने किया ही है, जैसे खेसारी लाल जी से मैं खुद मिलने गई थी उनके सेट पर और वो बोले भी थे कि वो आएंगे, लेकिन मैम आप खुद देख रही हैं ना वो आए भी नहीं और उनका उनसे कांटेक्ट करना भी मुश्किल है। मैं तो वहाँ मुझे सडन पता चला तो मैं रात में उठकर वहाँ चली गई थी, लेकिन उनसे कांटेक्ट होना मुश्किल है मैम। और उनके तरफ से तो हमें अभी तक बस 21,000 रुपये मिला था जो शुरुआत में मिला था, उसके बाद मैं वहाँ गई थी तो मुझे कुछ नहीं मिला था। तो दोस्तों आपने साफ साफ सुन लिया कि आयांश की मम्मी बताएं कि खेसारी लाल यादव 21,000 रुपये दिए आयांश को बचाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप लोग एक बार फिर से सपोर्ट कर दीजिएगा तो आयांश बाबू का जिंदगी बच सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी खबर आपको देखने और सुनने को मिल जाए। धन्यवाद।